दोस्तों, पाकिस्तान ने अपना T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। नंबर 1 पे बाबर आजम एज अ कैप्टन खेलेंगे। नंबर 2 पे मोहम्मद रिजवान एज अ वाइस कैप्टन खेलेंगे। नंबर 3 पे फखर जमान एज अ बैट्समैन खेलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं साइम अयूब एज अ ऑलराउंडर खेलेंगे। उसके बाद उस्मान खान आ जाते हैं एज अ बैट्समैन इन मिडिल ऑर्डर खेलेंगे। इसके बाद इफ्तिकार अहमद आ जाते हैं जो के ऑलराउंडर की तौर पे खेलेंगे। उसके बाद इमान वसीम एज अ स्पिनर प्लस बैट्समैन खेलेंगे। उसके बाद शहदाब खान एज अ स्पिनर प्लस बैट्समैन खेलेंगे। उसके बाद इब्रार अहमद एज अ स्पिनर बॉलर खेलेंगे। उसके बाद मोहम्मद आमिर एज अ फास्ट बॉलर खेलेंगे। उसके बाद जमान खान एज अ फास्ट बॉलर खेलेंगे। उसके बाद शाइन आफरीदी एज अ फास्ट बॉलर खेलेंगे। देन उसके बाद मोहम्मद अली एज अ फास्ट बॉलर खेलेंगे। देन उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर को रखा गया है एज अ बॉलर प्लस बैट्समैन। देन उसके बाद मोहम्मद इरफान खान नियाजी को रखा गया है एज अ बॉलर। तो इसी तरह पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का स्काउट कंप्लीट होता है। मजीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, मेरी वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।